वैसा गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बहुत ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, और ये चीज जो है आप लोगों ने लाइफ में फील भी की होगी। जब जब लाइफ में आप लोगों ने कोई काम करने की कोशिश की है, अगर आप लोग ऐसे ही अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं जैसे पहले यूटिलाइज कर रहे थे, तो कभी भी आप लोग उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप लोगों ने टारगेट रखा है। हमेशा आप लोगों को अगर कोई चीज अचीव करनी है तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के थ्रू, प्लान के थ्रू आप लोगों को चीजें आगे लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग उसको अचीव कर पाएंगे। एक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर उसने रैंडमली सोचा कि किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ किताबें उठा के लाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तब तक ये चीजें नहीं होंगी जब तक कि आप लोग एक प्रॉपर प्लान ना बनाए। आप लोगों को पता होना चाहिए कब सोना है, कब उठना है, दो चीजें फिक्स आप लोग कर लीजिए, और इसके बीच का जो भी टाइम आप लोग के पास में बचता है उसको ये देखो कितने शानदार तरीके से उसको यूटिलाइज आप लोगों को करना है। प्रॉपर पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, आप लोग सिलेबस देखिए, जब पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस पूरा समझ में आ जाए फिर देखिए कहाँ कमियां है और कहाँ पर खामियां है और कहाँ पर आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेस पर फिर अपनी स्टडी को आगे लेकर चलिए। आखिर ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कल एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बोला गया कि 27 जून को जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला था वो अब नहीं होगा। उसकी डेट क्या कर दी गई है, उसकी डेट कर दी गई है 10 अक्टूबर। तो ये तो आप सभी लोगों को पता चली गया होगा। तो 10 अक्टूबर जो ये डेट की गई है, अब आप लोगों के पास में मोटा मोटा तौर पर अगर देखिए तो 140-145 के करीब दिन है, 140 लगा लीजिए, ठीक है, तो एक दो चार दिन इधर उधर भी आप लोगों के हो जाते हैं बीच में, तो 140 दिन मोटे मोटे तौर पर आप लोग लगा लीजिए। अब इन 140 दिन को आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हैं, इसका पूरा खाका, उसका पूरा प्लान आप लोगों के पास में होना चाहिए। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आंसर राइटिंग का क्या करना है, आंसर राइटिंग तो यार अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस ज्यादा ले लेंगे ना तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसको तो ऐसा करिए कि ज्यादातर जितना भी टाइम आप लोगों के पास में बचे चाहे ना बचे, कम से कम डेली 1 घंटा तो कम से कम आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करिए ही करिए ही करिए। इससे आप लोगों जो फाइनल डेस्टिनेशन पर जब आप लोग पहुंचेंगे यानी कि मेंस के अंदर, उसी के मार्क्स काउंट होते हैं। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है पर लेकिन कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है, तो कोशिश ये करनी है कि आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी है। कोशिश ये करो कि अगर प्रीलिम्स पर आप लोगों की ठीक ठाक पकड़ है तो कम से कम 1 महीने तक तो मिनिमम आप लोगों को, जब 1 महीना बच जाए तब तक भी अपनी आंसर राइटिंग करो, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आप लोगों को अपने गोल तक पहुंचाएंगी, तो वो आप लोगों को नहीं छोड़नी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो 140 दिन आप लोगों के पास में बचे हुए हैं, अब आप लोग डिवाइड कर लीजिए कि अपनी चीजों को कैसे लेकर चलना है। एक प्रॉपर प्लान अपना बनाइए जिसके चलते आप लोगों को जो स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ में जो करंट पोर्शन है उसको मर्ज कर आप लोगों को पढ़ना है, ताकि इस तरीके से स्टडी करनी है। अगर आप लोगों के पास में जो प्रीलिम्स होने के बाद में जो टाइम बचेगा उसमें प्रॉपर आप लोग चीजों को रिवाइज कर सकें, ज्यादा टाइम आप लोग न लगाएं, यानी कि अभी आप लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को काफी अच्छी, जो कि आप लोगों को एक सही मुकाम पर पहुंचा सकती है। एक बच्चे के द्वारा एक काफी लंबा मेल लिखा गया, उसमें बोला गया सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे टीबीएफ में उसको सेकंड चांस मिल गया था, यानी कि जब पता चला कि अटेम्प्ट जो है वो 6 कर दिए गए हैं 4 से बढ़ाकर, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ सर, मुझे लग रहा था कि मेरा काम जो है वो तमाम हो गया है, पर लेकिन फिलहाल अब जो एक टाइम मिला है इसने मेरे लिए एक आशा की नई किरण जगा दी है। तो वही चीजें हैं यार, अगर आप लोग इसको टाइम को ढंग से यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छा है, वरना जैसे पहले निकला अगर ये भी ऐसे निकल गया तो एक क्या आप लोगों ये 4 महीने के आप लोग अगर 4 साल और दे दी जाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं पड़ने वाला है। तो कोशिश आप लोगों को फोकस ये देना है कि इस टाइम को ढंग से कैसे यूटिलाइज करना है, एक एक दिन को कैसे आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि सही डायरेक्शन में आप लोग अपनी एनर्जी को आप लोग ढंग से एक अपने गोल पर लगा सको और अपने गोल को अचीव कर सको। अब आप लोगों को ये प्लान बनाना है अपना लगभग 140 का ध्यान में रखते हुए, इसमें सारा करंट अफेयर आप लोग कवर करने की कोशिश करनी है, और इसी के साथ में कोशिश करनी है कि आप लोगों का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो पूरा टाइम ढंग से अपना डिवाइड कीजिए 24 आवर में से कम 6 घंटे अपने सोने के रखिए, बाकी के जो 18 घंटे बच गए उसको आप लोग कैसे यूटिलाइज करना है, कुछ नहाने पीने खाने धोने ये वाले टाइम रहेगा, तो इसके लिए भी अगर आप लोग 4 घंटे निकाल देते हैं पूरे दिन में से फिर भी आप लोगों के पास में 14 घंटे बच जाते हैं। 14 घंटे में से चलिए 1 घंटा और निकाल दीजिए, चलिए आप लोगों को लगता है यार 1 घंटा और लग सकते हैं, 13 घंटे बच गए। मुझे लगता है कि 12 से 13 घंटे का कम से कम अब आप लोगों के पास में एक प्लान होना चाहिए जिसको आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर सको। 4 महीने अगर 12 से 13 घंटे पढ़ दोगे लगकर, तो देखिए पढ़ने से ना तो आज तक कोई मरा है और ना ही कभी मरेगा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यहां पर ये, अगर टाइम को ढंग से यूटिलाइज एक बार कर लिया, 4-5 महीने की बात है, इसके बाद में जिंदगी जो एंजॉय करना, उसके बाद में शानदार तरीके से अपनी लाइफ को जीना, तो क्यों ना मेहनत उस लेवल पर जाकर की जाए कि अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके।
तो ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप लोग सोचे कि थोड़ा एक दो चार दिन बाद बैठ के टाइम टेबल बना लेंगे, दो चार दिन बाद बैठ के देख लेंगे क्या क्या करना है। नहीं, अभी लोहा गर्म है, उस पर चोट मार देनी चाहिए। अभी आप लोगों को तुरंत ये चीजें सामने आई है तो आप लोग अपना शेड्यूल बनाकर तुरंत आप लोगों को लग जाना चाहिए, तो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा उन लोगों के कंपेयर में जो सोच रहे हैं कि अभी एक दो दिन और रुक जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एक एक दिन अपना मायने रखता है। सोचिए एक घर बनाना है, उसमें एक एक ईंट क्या क्या मायने रखती है। अगर कोई एक ईंट बीच में से निकाल दोगे तो आप लोगों का फाउंडेशन जो है वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हर एक दिन को शानदार तरीके से यूटिलाइज आप लोगों को करना है, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे जो यहाँ पर एसएलबी आर्मी मेंबर है जिनके द्वारा अपना प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है, और जब आर्मी शब्द यूज किया गया तो इसका मतलब यही है कि आर्मी जैसा डेडिकेशन आप लोगों के अंदर दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। कौन कौन खुश है और कौन कौन दुखी है एग्जाम के पोस्टपोन होने से। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर काफी अच्छी प्रिपरेशन थी, बुरा लगा। देखिए यार, टाइम और ज्यादा मिल गया है तो और अच्छी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए, उनका नाम आप लोग बताइए। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहाँ पर अगर टेन्यूर के बारे में बात करें यानी कि कितने टाइम तक ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इस पोस्ट पर रहते हैं, तो यहाँ पर इनके चेयरपर्सन के बारे में बात की जा रही है। 4 साल या फिर 60 साल, 5 साल या फिर 62 साल, 6 साल या फिर 65 साल, 5 साल या फिर 70 साल, यानी कि ये टाइम ड्यूरेशन है जिस पोस्ट पर यहां पर ये रहते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो ये आंसर आप लोगों को बताना है, आंसर जरूर आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए। और इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूं टेलीग्राम पर या फिर कम्युनिटी टैग में, उसको भी आप लोग आंसर दिया कीजिए। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और देखिए जो क्वेश्चन यहां पर पोस्ट करता हूं उसका डिफरेंट क्वेश्चन रहता है, तो उसको उस तरीके से नहीं देखना है जैसे आप लोग देखते हैं, तो फिर गलत हो जाता है। तो ये फालतू में खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, ओके। आइए जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद में शानदार तरीके से एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जिसमें काफी कुछ नई चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो डिस्कशन जो है वो काफी प्यारा रहने वाला है, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो कल हमारी कंट्री में कितने केस आए, तो 3,28,000 केस देखने को मिले। इसी के साथ में 3,700 लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे। महाराष्ट्र टॉप पर रहा नंबर ऑफ केस में, दूसरे नंबर पर केरला रहा, तीसरे नंबर पर कर्नाटका। अगर नंबर ऑफ डेथ के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा, दूसरे नंबर पर कर्नाटका और तीसरे नंबर पर दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। अगर केसेस के बारे में बात करें तो 2 करोड़ का आंकड़ा यहां पर ये केस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। आप लोगों को बताया अभी केस कितने हो गए हमारी कंट्री में, तो ये 2 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों कि 2,40,31,000 ये 669 केस हमारी कंट्री में अब आ चुके हैं। तो ये एक ह्यूज नंबर ऑफ केसेस हैं, यानी कि हर एक इंसान आप लोग के आसपास में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से COVID-19 से ग्रसित होगा। पर लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जान लेकर चली जाएगी। अगर थोड़ा सा भी आप लोग प्रिकॉशन करें, अपनी प्रिकॉशन लेंगे तो इन चीजों से आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुरक्षा ही बचाव है। स्पुतनिक 5 ये एक दवाई है जो कि रशिया के द्वारा बनाई गई है। ये बेसिकली बनाई गई है यहाँ पर गालमिया, जो नेशनल सेंटर रशिया है उसके द्वारा ये दवाई हमारी कंट्री में, बोला जा रहा है कि जल्दी ही हमारी कंट्री में ये दवाई एंट्री करने वाली है। ये बात किसके द्वारा बोलेगी, नीति आयोग के जो मेंबर हैं जिनका नाम है वीके पॉल, उनके द्वारा ये बात बोलेगी। ऑलरेडी हमारी कंट्री में दवाई की काफी ज्यादा कमी है, तो इसलिए यहाँ पर मोडेना, जो फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन जो ये दवाई बना रहे हैं, इन कंपनी से भी यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग भी दवाई आकर इंडिया में मैन्युफैक्चर कीजिए, आप लोग इमरजेंसी अप्रूवल लीजिए और फिर यहाँ पर दवाइयां बनाना स्टार्ट कीजिए ताकि लोगों को दवाई प्रोवाइड कराई जा सके। क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है एक डोज मिल चुका है, कई सारे लोग अभी सेकंड डोज का अभी वेट कर रहे हैं। कोविशील्ड जो वैक्सीन के बारे में अगर बात करिए तो सेकंड डोज बोला गया है यहाँ पर अब ये 12 से 16 हफ्ते बाद में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अभी यहां पर लंबा टाइम लगने वाला है सेकंड डोज के लिए। फर्स्ट डोज लोगों को मिल गया है तो यहां पर कुछ तो इम्यूनिटी यहां पर डेवलप हुई होगी बीमारी से लड़ने में, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। और हां, इम्यूनिटी की मैंने बात की, एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप लोगों के चक्षु हिलाकर रख देगा कि एक ऐसी बीमारी भी यहां पर देखने को मिल रही है COVID-19 के मरीजों में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये काफी खतरनाक इंपैक्ट अभी डाल रही है। अगर इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जा रही है तो ये दवाई जो है ये बीमारी है उसको लेकर डूब जा रही है। तो इसलिए इसको भी समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें समझेंगे इस बीमारी के बारे में, पूरा एक एडिटोरियल है तो ढंग से जानेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर भी इलेक्शन हुए, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उनका नाम है यहां पर जगदीप धनखड़। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, और नॉर्मली जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनकी आपस में बनती नहीं है,
तो इसके चलते यहां पर अभी जो ममता बनर्जी जी के द्वारा बोला गया था कि जो पर्टिकुलर एरिया जहां पर अभी जो झड़प देखने को मिली थी वेस्ट बंगाल के अंदर कूचबिहार, उस वाले एरिया में विजिट नहीं करना है, ठीक है। तो जो गवर्नर है वो वहां पर चले गए, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनके द्वारा जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे ऊपर जाकर कुछ काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है गवर्नर साहब को कि गवर्नर जो है यहां पर जो एग्जीक्यूट जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है यहां पर उनसे ऊपर जाकर काम करते हैं, तो ये गलत तरीका है। कई बार संविधान जो है उसको एक अलग दायरे में रख दिया जाता है। नॉर्मली गवर्नर होता है इस तरीके से जिसे प्रेसिडेंट होते हैं, तो जो इलेक्टेड पार्टी है उसकी एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं यहां पर गवर्नर पर। लेकिन ये एक नॉर्मल चीज है, इसमें आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। एक तरीके से विजिट करना कहीं पर तो रोक नहीं सकते गवर्नर को, पर हाँ ये है कि इससे माहौल जो है वो अच्छा नहीं रहता है स्टेट के अंदर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग की क्या राय इसके बारे में आप लोग ये बताइएगा। यहां पर अभी ये बोला गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसको जेल में लेकर मत जाइए, उसको हाउस अरेस्ट कीजिए, क्योंकि जेल में ऑलरेडी लोग इतने लार्ज स्केल पर भरे हुए हैं। आप लोगों को याद होगा कल ही हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो जिसका नाम है NCRB, ये किसके अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इसके द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें ये बोला गया कि हमारी कंट्री में 70% लोग वो हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल मतलब जिनको इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में इंक्वायरी के टाइम पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया उनको सख्त के उनके सख्त के बिना पर। तो आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, अगर इसी बिना पर हम लोग गिरफ्तार करते रहे तो ऑलरेडी जेल में जगह नहीं है, और अंदर अगर अंडर ट्रायल जो लोग अभी देखने को मिलेंगे जिनको इस सब के बिना पर अरेस्ट किया जाता है, यूके में 11% बोला था, यूएसए में 20%, फ्रांस में 29%, हमारी कंट्री में 70%। तो इतने सारे लोग तो हम लोग वैसे ही जेल में भरे हुए हैं, जेल हमारी ओवरक्राउडेड हो जाती है, इनके बे इंतहा लोग वहां पर देखने को मिलते हैं, पैर रखने की भी जगह वहां पर निकलकर नहीं आती है। तो इसलिए जरूरी है यहां पर कि थोड़ी चीजों का आप लोग ध्यान रखें और सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए। और बोला यह जा रहा है कि आप लोगों को हाउस अरेस्ट भी कर सकते हैं, तो अभी डिकंजेस्ट करने की बात की जा रही है जेल को, ताकि एक अलग पता चला कि यहां पर जेल के अंदर जो 4-5 लाख कैदी है उनपे यहां पर अभी चीजें चल गई और वहां पर कंडीशन खराब हो रही है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ेगा, तो पता चला और ज्यादा लोग यहां पर प्रॉब्लम में पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया है, ये एक अच्छी बात लगी मुझे पर्सनली। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी बोला गया है कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको खाने प्रोवाइड कराने के लिए सेंटर बनाइए, क्योंकि पिछली बार काफी सारे लोग जो है ये भूखे मर गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रोजी रोटी जो होती है वो डे बाय डे की अर्निंग पर डिपेंड करती है, यानी कि आज कमाया तो घर में चूल्हा जलेगा, आज अगर कमाई नहीं हुई तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि जो अर्बन एरिया में यानी कि शहर में जो लोग रह रहे हैं सबसे बुरी कंडीशन यहां पर ये देखने को मिल रही है कि गांव वाले एरिया में तो कई सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाती हैं, खाने पीने का सिस्टम यहां पर गवर्नमेंट जो है गल्ले की दुकान प्रोवाइड कराती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा राशन प्रोवाइड कराए जाते हैं हर लेवल पर, लेकिन सिटीज में ये चीजें ढंग से अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि जो भी लोग सिटीज में रहते हैं वो माइग्रेंट लोग रहते हैं, कई बार उनके पास में राशन कार्ड नहीं होता है, कोई आईडी कार्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहां पर अब कई सारे लोग जो है काम न मिलने की वजह से सारी चीजें बंद पड़ी है, इसकी वजह से उनके पास में खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहां पर करना पड़ेगा, ये बातें बोली जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता शायद कोई ही इसके खिलाफ जाएगा। अच्छी बात है यहां पर, ये स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस जरूर देना चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बताया दिया, आज द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है कि जो 10th October को आप लोगों का ये पेपर होने वाला है, जो कि 27th June को होने वाला था। आप लोगों को पता है मैंने एक दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर दो, अब एक ऐसा भी चैनल खोल लो। मैंने कहा ठीक है ये काम जरूर करेंगे। यार देखो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप लोग पैटर्न देखकर समझ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा जब आप लोग पेपर देकर आते हैं तो आप लोग पेपर देख के निकलने के सेंटर से निकलने के बाहर ही आप लोग बता देंगे कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है, ये इतना तो कॉन्फिडेंस इंसान को रहता ही है। तो आप लोग पैटर्न समझकर यहां पर देख सकते थे कि इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया, इंटरव्यू अभी होगा नहीं, कम से कम 2 महीने लगेंगे इंटरव्यू होने में, और इंटरव्यू होने से पहले जो कंप्लीट होने से पहले फाइनल रिजल्ट आने से पहले प्रीलिम्स नहीं होता है, तो कैसे यहां पर चीजें पॉसिबल है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पोस्टपोन किया गया। कई सारे बच्चे ईपीएफओ के बारे में बात करें, ईपीएफओ की डेट भी अभी जल्दी ही डिसाइड कर ली जाएगी जब इसकी डिसाइड कर ली गई है, तो ये चीजें जो है टेंशन मत लीजिए, अपनी प्रिपरेशन रखिए, आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो उसको ढंग से यूटिलाइज कीजिए, तो जैसे ही उसकी भी डेट आएगी उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके। अभी यहां पर एक अच्छी खबर ये देखने को मिल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी उनके पास में, जो कि अब तक कमी पड़ रही थी, तो बोला गया कि अगर किसी को चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, तो डिमांड जो है वो अभी यहां पर डाउन आ गई है, सिचुएशन जो है वो एक नॉर्मल दिख रही है, तो ये एक अच्छी खबर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पर लेकिन रियलिटी में कई सारे हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहां पर ये सिचुएशन जो है बीटेक वाले क्या क्या नहीं करते हैं, तो यहां पर एक और धब्बा बीटेक वालों जो स्टूडेंट है उनके ऊपर लग गया,
21 साल का ये लड़का था, बीटेक, जो बेसिकली बीटेक से रिलेटेड यहाँ पर ये डिग्री कर रहा है बेसिकली ये बच्चा। तो इसके द्वारा क्या किया गया, अभी लगभग 47 जो लोग हैं उनको यहाँ पर इनके द्वारा गलत तरीके से यहाँ पर बोला गया कि प्रोवाइड कर रहे हैं आईसीयू सेटअप ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में यहाँ पर, तो इसके चलते लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी हरकतें करने को देखने को मिल रही है। इंजीनियर दिमाग जो है जब गलत डायरेक्शन में लग जाता है तो फिर ऐसी दुर्घटनाएं सामने निकल कर आती है। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कम से कम एक नैतिक शिक्षा यानी कि एथिकल एजुकेशन यहाँ पर हर लेवल पर बच्चों को पढ़ानी चाहिए ताकि ऐसा माहौल देश में देखने को न मिले जब महामारी पड़े तब ये कंडीशन सामने निकल कर आए। ठीक है, बाकी यहां पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है, मैंने आज तक ये जो एपिसोड है इसका, ये जो बेसिकली प्रोग्राम है इसका कोई एपिसोड नहीं देखा। हाँ, एक दो वीडियोस जरूर देखी हैं जब ये कई बार ट्रेंडिंग में कुछ वीडियोस आ जाती थी, मैंने पर्टिकुलर इसका कोई नहीं देखा। मुझे प्रॉपर इसके बारे में ज्यादा मतलब एक तरीके से होने पता है कि क्या चलता है वो ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर अभी एक न्यूज है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, पर लेकिन सुना बहुत है इसके बारे में। ठीक है, कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेसिकली एक फैमिली प्रोग्राम है तो ये काफी लार्ज स्केल पर देखा जाता है लोगों के द्वारा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक जो इसमें एक्ट्रेस है जिनका नाम है मुनमुन, ठीक है, मुनमुन दत्त, ठीक है, इनको यहाँ पर बबीता जी बोलते हैं, शायद यही है या फिर कोई और है, तो मुझे यही पिक्चर मिली, मुझे लगा शायद यही होंगी। तो यहाँ पर ये बबीता जी हैं, तो इनके द्वारा कोई कमेंट किया गया शेड्यूल कास्ट को लेकर, तो रिसेंटली अभी इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो गई है कि कास्ट को लेकर इनके द्वारा कोई अटैक किया गया। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में, याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट है हमारी कंट्री में, तो अगर कोई भी इस तरह का कमेंट यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ कोई कमेंट वगैरह किया जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से काफी एक खतरनाक कैटेगरी में आता है कि हम लोग सोसाइटी में कम्युनिटी को इस तरीके से देखते हैं, तो अगर ये एक्ट पड़ गया तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, कई बार ये भी था अभी रिसेंटली कि गलत मिसयूज किया जाता है यहाँ पर इस एक्ट का, तो उसके चलते भी कई सारे प्रोविजन की बात की गई, तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा कि ये एक्ट जो है ये यहाँ पर किसी भी सोसाइटी में हार्मनी बिगाड़ने से रोकने के लिए एक्ट बनाया गया, ताकि जो पुराने टाइम में चीजें देखने को मिलती थी ऊंची जात और नीची जात वाली चक्करें, उनसे थोड़ा ऊपर उठकर सोसाइटी में एक नॉर्मल माहौल बनाकर रखा जा सके। ठीक है, अभी यहाँ पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली डेटा जो कंसल्टेंट है उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर वेबसाइट, ताकि प्लाज्मा डोनेशन को ईज किया जा सके। प्लाज्मा डोनेशन अगर यहाँ पर किया जाता है तो खासकर COVID-19 के पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा है यहाँ पर ये, तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए। तो fightagainstcovid19.org, तो यहाँ पर आप लोग जाकर बेसिकली ये पर्टिकुलर जो डोमेन है यहाँ पर जाकर प्लाज्मा के लिए रिक्वेस्ट काफी ज्यादा देखने को मिली और चीजें प्रोवाइड भी कराई जा रही हैं, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वो नहीं कहते कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सुशील कुमार जो है उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही कोई एक एसोसिएट मेंबर था एक तरीके से कोई काम करने वाला साथ में, उसकी जान ले ली 3-4 लोगों के द्वारा मिलकर, और ये सारा जो भी माहौल था ये सीसीटीवी कैमरे में बेसिकली वहां पर पकड़ा गया। तो अभी यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी जान गई है जिसका नाम था सागर, तो यहां पर 23 ईयर ओल्ड ये रेसलर था, इसकी डेथ हो गई, मार दिया गया इसको इनके द्वारा मिलकर। तो यहां पर अभी जो केस चल रहा है सुशील कुमार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो ये बोला जा रहा है कि जो पुलिस है यहाँ पर यानी कि दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर सुशील कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अभी लेटर लिखा गया यहाँ पर जो खासकर उनके घर वालों के द्वारा जिनका बच्चा मरा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कि यहाँ पर कुछ चीजें देखें इसके चलते कि ओलंपिक के जो मेडलिस्ट है सुशील कुमार उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को बताया ओलंपिक जीतने वाली पर्सनैलिटी को अगर जेल में डाला जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। पर लेकिन एक क्रिमिनल अगर के काम किया गया तो एक क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, मेडलिस्ट बाद में होगा, पहले अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो पहले उसको उस तरीके से देखना पड़ेगा। बचाना अगर क्राइम किया है वो तो देखिए कोर्ट देखेगा क्राइम हुआ या नहीं हुआ है, पर लेकिन पुलिस को अपना काम प्रॉपर वे में करना चाहिए, ये जरूरी है काफी ज्यादा। एक और नंबर ऑफ जो यहाँ पर ये अटेम्प्ट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को बताने के लिए कि जो भी गंगा के अंदर जो बॉडीज डेड बॉडी अभी देखने को मिल रही है उनकी एक जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, ये प्रियंका गांधी जी के द्वारा बोला गया। इनके द्वारा बोला गया कि इस तरीके से हम लोग नहीं छोड़ सकते कि यहाँ लोग मर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से बॉडी आ रही है और हम लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं COVID-19 का नाम देके, उसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग को चेक करना चाहिए। बहुत सारी बॉडी जो है यहाँ पर गंगा रिवर में जो बक्सर है बिहार के अंदर वहां से देखने को मिली, जिसके चलते काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आई। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर चाइना के द्वारा अभी प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को बताया चाइना से हेल्प तो हम लोग ले नहीं रहे, चाइना हेल्प करने के लिए आया था आगे पर हम लोगों ने मना कर दिया, हम लोग बोल रहे हैं कि हेल्प वैसे मत करो, तुम ये जो इंस्ट्रूमेंट बेचते हो उनका प्राइस जो है थोड़ा सा स्टेबल रखो। जैसे एक यहाँ पर मोबाइल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात की जा रही है, इसको काफी लार्ज स्केल पर इसका प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल देखने को मिल रहा है,
कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है। तो यहां पर प्राइस में जो इतना ज्यादा ऊपर नीचे चीजें आ रही है तो उसको फिक्स करने की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके, ठीक है। तो ये बातें हैं, आगे बात करते हैं। यहां पर अभी एक ऐप के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो है पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसको बेसिकली पब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है, इसको संसद टीवी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अभी इसी पैटर्न पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, इनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरा प्रक्रिया चलती है उसको भी लोगों के सामने रखा जाएगा, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। ताकि लोग जो है उसको भी प्रॉपर में जो प्रोसीडिंग होती है देख सके और इसके ऊपर स्टडी की जा सकती है, आगे काफी कुछ आगे देखने को मिलेगा। तो ये काम किसके द्वारा किया गया, हमारी कंट्री के 48 यानी कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि रिसेंटली अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, नाम है जस्टिस एन वी रमना, ठीक है। इनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे पता है आप लोगों को, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे आउटगोइंग, उनका नाम पता होना चाहिए, बताइएगा जरूर। कुंभ के मेले में जो भी इंसान नहाने गया था उसका ये एक बिलीफ था, एक ट्रस्ट था यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है वहां पर चीजों को कंट्रोल करके रखेगी और हम लोग अपना जो विश्वास है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और जाकर नहाकर आएंगे गंगा में जो डुबकी लगा कर आएंगे, तो ये विश्वास था। तो यहाँ पर अखिलेश यादव साहब जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर दिया गया, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर लेगी और हम लोग अपना अपना जो भी श्रद्धा है हम लोग उसको एंजॉय कर पाएंगे, अपनी श्रद्धा जो है गंगा में नहाना वो सारी चीजें। तो हर एक इंसान जो है उसकी एक श्रद्धा होती है, पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो यहां पर खरी नहीं उतरी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, यहां पर अगर इतने सारे लोग अगर गंगा जी में एक साथ नहाने जा रहे हैं वहां पर और इस तरीके से कोविड-19 के चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की कहां तक कमी गलती है और जनता की कहां तक गलती है कि जनता जा रही है, तो यहां पर अगर दोनों के बारे में पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसमें ओनली एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या फिर जनता की भी गलती है? तो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कई सारे केसेस अभी जो देखने को मिल रहे हैं यहां पर, ये कई सारे हाथी की जान जा रही है यहां पर। तो अभी बात की जा रही है यहां पर पर्टिकुलर एरिया कहां पर है, ये पर्टिकुलर एरिया आसाम के अंदर में, तो आसाम के अंदर यहां पर कांदाली ये प्रपोज टाइगर फॉरेस्ट जो प्रपोज बेसिकली जो प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट है, तो 18 हाथियों की रिसेंटली अभी जान चली गई जो बिजली की वजह से, जो लाइटिंग होती है उसकी स्ट्राइकिंग की वजह से। देखिए ये चीजें मतलब हो सकता है कि ये रियल इंफॉर्मेशन हो, पर लेकिन जहां तक ये चीजें ऐसी हैं कि पर्टिकुलर हाथी ही मर रहे हैं और अभी 18 हाथी मर गए, एक आधा मर जाए समझ में आता है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ दूसरी घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, दिखने में कुछ और है, एक तरीके जंगल में कई बार आग लग जाती है कि फॉरेस्ट में आग लग गई तो बोलते हैं नेचुरल तरीके से लग गई, पर लेकिन होता है कई बार लोग जो है जंगल को जला देते हैं ताकि लकड़ी को वहां से काट सकें, तो कुछ ऐसी भी कंडीशन इसके पीछे देखने को मिल सकती है। चलिए जो भी है ऐसा ना हो वही ज्यादा अच्छा है, लाइटनिंग की वजह से ही जान गई हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सेकंड वाली अगर कैटेगरी आ गई तो वो इंसान को और ज्यादा नीचे गिरा देगी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए एक बेजुबान जानवरों की जान लेना कितने हद तक सही है, तो ये सही तरीका नहीं है। बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जहां पर अभी इलेक्शन में नए फाइनेंस मिनिस्टर चुनकर आए, उनके द्वारा अभी बोला गया है कि अभी रिसेंटली यहां पर बोला गया इनके द्वारा सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर है आफ्टर पंजाब, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस जो काउंसिल है उसकी मीटिंग होनी चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, पेंडेमिक के चलते कैसे कोविड-19 के चलते क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके ऊपर एक डिस्कशन किया जा सके। जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो तो आप लोग देख रहे हैं, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू देखने को मिला, पर लेकिन रियलिटी में जो भी हम लोग दवाइयां खरीद रहे हैं या फिर जो भी आप लोग जो डिवाइस वगैरह खरीद रहे हैं तो उनको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में कुछ बातें यहां पर होनी चाहिए, ओके। जो इसराइल और फेलिस्तीन के बारे में बात करें तो बहुत बुरी कंडीशन बनी हुई है, तो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई है। अलग अलग कंट्री कमेंट कर रही है अलग अलग तरीके से कि इसराइल को भी हक है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कोई बोल रहा है कि फेलिस्तीन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अभी बात करें तो यहां पर कई सारी कंट्री सामने आई, जैसे कि अभी बात करें तो तुर्की जो है पाकिस्तान जो है वो बोल रहे हैं कि सबक सिखाना पड़ेगा अभी यहां पर जो इसराइल को, तो कई सारी ऐसी सिचुएशन अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस एरिया में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, तो यहां पर ये बुरी कंडीशन है, कई सारे लोगों की जान जा सकती है और जा भी रही है, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सिचुएशन को नॉर्मल कैसे करना है, क्योंकि रिसेंटली अभी अगर ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी तो इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी कोविड-19 के साथ में लोग लड़ रहे हैं, तो ये एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। मोहम्मद नसीद जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मालदीव के, अभी ये पहुंच गए हैं जर्मनी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अभी आप लोगों को पता है अटैक किया गया, तो उसके चलते कई सारी बुरी कंडीशन देखने को मिली 6 मई को जो अटैक हुआ मालदीव के अंदर, तो अभी रिसेंटली यहां पर सिचुएशन जो है नॉर्मल बने, तो उसके चलते इन्होंने अपनी जान बचाई और निकले यहां से, इलाज करवा के देखेंगे फिर क्या करना है तब आकर बातें करेंगे, ठीक है।
एक पर्टिकुलर कार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं OCI, फुल फॉर्म क्या है पर इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हमारी कंट्री में कोई जर्नलिस्ट या फिर इंजीनियर या फिर रिसर्चर कोई आना चाहते हैं तो उसको मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ चेंज किया गया था अभी रिसेंटली रूल और रेगुलेशन में, तो इसी के चलते कई सारे लोग जो है उससे दुखी है, बोल रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है और इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा कि जो एक तरीके से चीजें हैं ये सही नहीं है, इसको रोकने की बात की जा रही है। स्पेशल परमिट लेने की बेसिकली जरूरत नहीं होनी चाहिए जैसे पहले था। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है सारी चीजें, अगर कोई आप लोगों से पूछे ये सारे नोटिफिकेशन इस तरीके की चीजें होम मिनिस्ट्री के अंडर है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके रिलेटेड अपने माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे आज के एडिटोरियल, जिनको आप लोग अच्छे से समझिएगा और इसमें क्वेश्चन भी आप लोग का आएगा, जो क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, तो देखिए कर देखते हैं, पहले एक ओवरव्यू लेते हैं एडिटोरियल के बारे में ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले यहां पर अगर बात करेंगे, ये वाला जो एडिटोरियल है एक शानदार और एक काफी डिफरेंट एडिटोरियल लिखा गया है इनफोर्स डिसअपीयरेंस के बारे में। इनफोर्स डिसअपीयरेंस क्या होता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा और क्यों ये न्यूज में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यानी कि एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल मुझे लगा जिसमें आप लोग कुछ नया और कुछ डिफरेंट जानने को मिलेगा, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को काफी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर अगर बात करिए, और हाँ इससे परिवार के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है, जो बीमारी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये उसी के बारे में है, तो इस आर्टिकल को भी समझेंगे ये बीमारी कैसी है, क्या क्या इंपैक्ट डाल रही है और किस तरीके से ये बीमारी बढ़ सकती है, इस बीमारी को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, तो कई सारी ऐसी तमाम बातें आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर बनी रहे, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। आसाम के अंदर अभी इलेक्शन होकर जो पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर हेमंता बिस्वा जो शर्मा है वो नए चीफ मिनिस्टर बने और वो 15वें चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर। तो ये जो है अभी किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलेंगे तो वही सब बातें बताई जा रही है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी वही सब चीजें हैं जो आप लोगों को लोकल पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है, तो हल्का सा जानेंगे इसके बारे में कौन टारगेट करता है, क्या क्या कंडीशन है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। वैसे तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा, इस पर्टिकुलर इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर खुद भी बन गया है कि एक तरीके से बोला गया सुड पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए पेंडेमिक के टाइम पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा यार ये पॉलिटिकल प्रिजनर क्या होते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर वो इंसान होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर कुछ बोलता है और उसके चलते उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नॉर्मल तरीके से बोला जाए ए पर्सन जो कि इम्प्रिजन किया जाता है उसकी पॉलिटिकल बिलीफ की वजह से, यानी कि जो उसका एक विश्वास है पॉलिटिक्स को लेकर उसमें उसके चलते उसको गिरफ्तार कर ले जाए तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को अभी आप लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाउस अरेस्ट करो लोगों को जेल से निकालो, तो पॉलिटिकल प्रिजनर कई सारे जेल में पड़े हुए हैं, तो क्या उनको रिलीज करना चाहिए ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे और कुछ बातें समझेंगे बेसिक चीजें की क्या कंडीशन चल रही है, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाकी रिफॉर्मिंग करना है मेडिकल एजुकेशन को COVID-19 के टाइम पर, तो आप लोगों को पता ही है कि काफी ज्यादा जरूरी है, तो यही बातें यहां पर की जा रही है। ये सारी बातें देखिए एजुकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसी के साथ में बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो अलग अलग इंपैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो अभी फिलहाल बात करिए मेडिकल एजुकेशन के बारे में, तो कई बार ये बात की जाती है कि अभी तो फिलहाल हम लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, जो मेडिकल जो मेडिसिन के वगैरह के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पर लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में अगर बात की जाए आज के डेट में कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है और खासकर जो रूरल वाला एरिया है वहां पर भी अभी पेंडेमिक जो है काफी लार्ज स्केल पर पहुंच चुका है, तो हम लोग को डॉक्टर को भी तैयार करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम के साथ भी हम लोग जूझ सकें। डॉक्टर्स की काफी कमी है हमारे देश में, अगर आप लोग बात करिएगा ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपेयर में, तो जो एक प्रॉपर जो एक रेशियो होता है वो अप टू द मार्क हमारी कंट्री में नहीं है। अच्छा आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में अगर बात की जाए तो कितना रेशियो है, यहां पर अगर बात करते हैं यहां पर कितना रेशियो है हमारी कंट्री में डॉक्टर से लेके अगर पेशेंट रेशियो के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में। और ये किसके बारे में पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं WHO के हिसाब से अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो आप लोगों को एक बुरा देखने को मिलेगा। WHO का मैं आप लोगों को बता देता हूं, अपनी कंट्री का आप लोगों को बताना है। WHO का देखने को मिलता है यहां पर एक डॉक्टर होना चाहिए लगभग 1000 लोगों के ऊपर, यानी कि अगर एक एरिया में 1000 लोग हैं तो कम से कम एक डॉक्टर वहां पर होना चाहिए, ठीक है, पर हमारी कंट्री में जो है ये रेशियो जो है वो एक अलग लेवल पर पहुंचा हुआ नजर आता है, तो अगर इसको आप लोग जाकर देखेगा तो ये सुधारने की जरूरत है। तो डॉक्टर की काफी ज्यादा कमी है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री मोटे मोटे तौर पर अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप लोगों को बताऊं, ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया था 2019-20 में, तो हमारी कंट्री में आज की डेट में
एक डॉक्टर आता है लगभग कितने पर, 1456 लोगों के ऊपर, यानी कि ठीक है 1500 लोगों के हिस्से में एक डॉक्टर आता है। तो ये तो 1500 में आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि अभी ये रेशियो के बेस पर है, पर लेकिन जब आप लोग इसको देखोगे करोड़ों में ले जाओगे जनसंख्या को, तो काफी कम डॉक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में। तो ये सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अगर लिखने के लिए कुछ आता है तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी कार्टून है यहाँ पर, थर्ड वेव अभी देखने को मिल रही है, तो थर्ड वेव के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तैयारी की जा रही है यहाँ पर जहाज पे बैठकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके की क्या चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो 40 से 50 शब्द में आप लोग लिखेगा, ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की तरीके से आप लोग ले सकते हैं। आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखनी है यार, ये आप लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को मैंने पहले बोला था, इसमें जरा से भी कोताही लापरवाही आप लोगों को नहीं बरतनी है, ठीक है। ये फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आर्टिकल इंपोर्टेंट है, एक हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और एक बीमारी है जिसको बोला जा रहा है म्यूकोमाइकोसिस, ठीक है। ये म्यूकोमाइकोसिस जो है इसको अगर समझना है तो आप लोग पहले यहां पर ये समझिएगा, नॉर्मली आप लोगों ने घर में ब्रेड देखा होगा, ब्रेड के ऊपर फफूंदी मोल्ड लग जाता है जिसको फफूंदी बोलते हैं। ये फफूंदी ऐसी होती है कि उस ब्रेड को बर्बाद कर देती है, ग्रीन कलर की आप लोगों को ये नॉर्मली फफूंदी देखने को मिलेगी। ऐसी ही फफूंदी अगर इंसानों में लग जाए तो क्या होगा, तो आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये फफूंदी कब लगेगी इंसानों को, ये फफूंदी तब लगेगी इंसानों को जब इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाता है, यानी कि बीमारी के साथ में लड़ने की क्षमता इंसान की नहीं रहती है। अभी ये कैसे देखने को मिला, कई सारे डॉक्टर्स के द्वारा यहां पर अभी ये देखा गया कि कोविड 19 के जो मरीज हैं उनको ये यहां पर म्यूकोमाइकोसिस की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसका बेसिक रीजन ये बताया जा रहा है कि ये रिसेंटली अभी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा डाउन हो गया है, जिसके चलते ये बीमारी सामने निकल कर आ रही है। तो ये जो बीमारी है ये इतनी खतरनाक इंपैक्ट यहां पर प्ले कर रही है कि यहां पर कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर जो लोगों को अपनी चपेट में ये ले रही है। तो इसको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे कंट्रोल आप लोगों को करना है। और कैसी बीमारी है, एक फंगल इन्फेक्शन है, जैसे जो ब्रेड के अंदर मैंने बताया ना कि फंगस लग गया यहां पर, उसी तरीके इन्फेक्शन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखने में इतनी खतरनाक बीमारी लग रही है, पर लेकिन ये जो बीमारी है ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है आसानी से दवाइयों से, और इसी के साथ में कुछ सर्जरी कर भी इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। पर लेकिन क्यों हम लोग कंट्रोल करने की कंडीशन में पहुंचे, हम लोग प्रिवेंशन की बात करें ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो चीजों को प्रिवेंट करना है तो वो ज्यादा बेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो कंडीशन बन रही है, अगर इंसान जो है वो प्रॉपर वे में एक अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दे, प्रॉपर वे में वो एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, अच्छा खासा पानी पीना स्टार्ट कर दे, ठीक है, अपनी जो पैसिव लाइफ हो चुकी है वो उसको एक्टिव बना ले थोड़ा सा, तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि आप लोगों को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेंगी। आज की डेट में मैक्सिमम बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब क्या होता है, वो बीमारियां जो हमारे रहने सहने खाने पीने के ऊपर डिपेंड करती है, जिस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है उसके बेस पर ये निकलकर सामने आती है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बात करूं, अगर किसी को कोविड 19 की बीमारी हो रही है तो 70 से 80% जो मरीज है यहां पर वो रिकवर कर जा रहे हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, यानी कि बीमारी आ रही है और लगकर चली जा रही है पता भी नहीं चल रहा है। 20 से 30% जो लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, उनको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। ये 20 से 30% है, ठीक है। अगर बात की जाए 20 से 30% हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा जनता हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ में वर्स कंडीशन जो देखने को मिलती है बहुत ही कम है, माइनॉरिटी है वो जिनको आईसीयू में यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करना पड़ता है। और ये तो पहले से ही पता था, जब पहली बार चाइना के अंदर ये वेव पकड़ी गई, जब देखा गया कि हाँ यार कुछ ऐसी बीमारी आ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा कई बार इसको चाइनीज वायरस बोला गया, वुआंग वायरस बोला गया, अलग अलग नाम से इस बीमारी को पुकारा गया, तो उस टाइम पर भी ये समझ में आ गया था कि जो ओल्ड एज पर्सन है जिनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, यानी कि 80-85 से ऊपर जा चुके हैं, 90 साल की एज में पहुंच रहे हैं, उनको ये लेकर डूब रही है। ओबेज यानी कि कोई मोटापे का एक तरीके से शिकार है, बहुत ज्यादा मोटापा चढ़ा हुआ है बॉडी पर, उसको देखने को मिलेगा। अनकंट्रोल डायबिटीज यानी कि मधुमेह की भी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा है, ये तो समझिए इसको तो छोड़ ही नहीं रही है। अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है और सांस की बीमारी है, इनको सबको अपनी चपेट में ले रही है, और ये बात हमें काफी पहले पता चल गई थी। अभी यहां पर जो चीजें निकल कर आ रही है वो ये है यहां पर कि जो ये इन्फेक्शन अभी देखने को मिल रहा है, ये फंगल इन्फेक्शन, ये सारी जो बीमारी है ये आप लोग अगर एक पर्टिकुलर इंसान को देखेंगे जिसकी चपेट में आ जाता है, तो वो इंसान जैसे इसकी बीमारी के चपेट में आया, उस इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा डामाडोल हो जाते हैं कई बार ना ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं मुझसे।
तो वो जब काफी जो सेहत है वो काफी ज्यादा डामाडोल हो जाती है, तो उस टाइम पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। और इम्यून सिस्टम होता क्या है, वो हमारी हेल्प करता है बीमारी के साथ में लड़ने में, पर लेकिन जब हमारी जो हेल्प करना वो बंद कर देता है बीमारी के साथ में लड़ने में, तो बीमारी हमारी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है, तो तब ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों से और बातें करूं यहां पर। तो अभी रिसेंटली यहां पर जो कोविड 19 का जो फियर है यहां पर जो लोगों के मन में बैठा हुआ है, उसके चलते कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली आईसीयू के अंदर जो रहकर आ रहे हैं यहां पर जो बेड, उनको नई बीमारी देखने को मिली है जिसको म्यूकोमाइसोसिस का नाम से यहां पर पुकारा गया है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और यहां पर ये जो फंगी है जिसकी वजह से यहां पर होती है, इसको बोलते हैं म्यूकोमाइकोसाइट, ठीक है। तो ये यहां पर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि जैसे फंगस लग जाता है वो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। रीजन क्या, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, या तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, एक तो वो पर्सन को लेकर डूबेगी, या फिर डायबिटीज मधुमेह की बीमारी ह्यूज लेवल पर देखने को मिल रही है तो उसको यहां पर पकड़ सकती है, या फिर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको हार्ट की बीमारी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे किसी को कैंसर है अगर, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको कई सारी जैसे कीमोथेरेपी वगैरह यूज करते हैं, तो उस इंसान की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है उन चीजों के साथ में लड़ने के लिए, तो उस टाइम पर क्या होता है उसका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। हाई स्टेरॉइड दिया जाता है उसको, हाई लेवल की दवाई दी जाती है जिसके चलते इम्यून सिस्टम पर काफी इंपैक्ट पड़ता है, तो ये उसका वेट करती है कि इंसान का इम्यून सिस्टम बिगड़ा और ये तुरंत इंसान को अपनी चपेट मिले, तो वही काम इसके द्वारा यहां पर भी किया जा रहा है। तो ये वो एरिया है जिसके चलते ये जो बीमारी है ये इंसान को अपनी चपेट में ले रही है और जिसके चलते इंसान जो है वो फिर नहीं बच पा रहे हैं। तो यानी कि अगर ये एरिया को हम लोग कंट्रोल करके चले तो इस बीमारी को भी हम लोग कंट्रोल करके चल सकते हैं, ये तो एक पक्की बात होगी यहां पर। लेकिन नॉर्मली इंसान जो है कई बार अवेयर नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिल जाती है कि ये बीमारी जो है इंसान को अपनी चपेट में लेकर बैठ जाती है। तो ये जो बीमारी है ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे स्किन के ऊपर ये बीमारी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है, ये पेट में आप लोगों को ये बीमारी देखने को मिलेगी, पेट में फंगस लग गया, चेहरे पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, फेफड़ों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लंग्स के अंदर ये इस तरीके का फंगस लगता हुआ, तो अलग अलग एरिया पे ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। इस बीमारी को आप लोग ब्लैक फंगस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ब्लैक फंगस, अगर कोई आप लोगों को बोले तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, इसी बीमारी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में इसको जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने बात की ना, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया, एक मिनट रुकिए, जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा ये पर्टिकुलर, ठीक है, हम लोगों ने यहां पर देखा इसको म्यूकोमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से इसका नाम यहां पर ZYZ, ठीक है, तो यहां पर OMYCOSIS, ठीक है, तो यानी कि इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ब्लैक फंगस के नाम से पुकारा जाता है, और इसको यहां पर ये जो बगल जाता है यहां पर म्यूकोमाइकोसिस के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सारे इसी बीमारी के नाम है दूसरे, चिंटू मिंटू पिंटू अलग अलग पर्सन के नाम रहते हैं ना, उसी तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर पेन है, आंखों में लाल लाल आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है, फीवर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सांसों में थोड़ी सी वो नहीं कहते कि अड़चन हो रही है लेने में सांसें, और इसी के साथ में मेंटली स्टेटस भी सही नहीं है, यानी कि इंसान जो है जल्दी जल्दी भूल जा रहा है, तो ये सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खतरनाक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यहां पर खतरनाक लेवल के सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से जो दांत है वो ढीले पड़ रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ में जो विजन है वो ब्लर हो रहा है, यानी कि चीजें ढंग से क्लियर नहीं दिखाई जा रही है। इसी के साथ में जो दर्द वगैरह है दांतों में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो तुरंत बिना रुके बिना टूके तुरंत भागकर डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए इंसान को। और ये किसकी वजह से हो रही है, नॉर्मली ये मिट्टी की वजह से काफी ज्यादा स्केल पर देखने को मिलेगी, जहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है वहां पर देखने को मिलेगा। कोई पानी रुका हुआ है, हुरिकेन का या फिर नेचुरल डिजास्टर कोई आया, बाढ़ आ गई, पानी रुका हुआ है, ठीक है, कोई ऐसी चीजें हैं यहां पर, ठीक है, सोयल के कॉन्टेक्ट में आने से यहां पर ये देखने को मिलती है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है बेसिकली। रिक्वायरमेंट इसको सही किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही किया जा सकता है, एंटी फंगल मेडिसिन आती है उससे सही किया जा सकता है, या फिर अगर कोई बुरी कंडीशन बन जाती है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को हटाया भी जा सकता है सर्जरी कर, तो ये भी तरीका है। तो कहने का मतलब यह है कि ला इलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है, पर लेकिन इलाज तभी होगा अगर हम लोग इन चीजों से डरे ना, तो ये बातें ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। तो ये पूरी बीमारी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत प्यारा, बहुत शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, ये बात कर रहे हैं इनफोर्स डिसअपीयरेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इनफोर्स डिसअपीयरेंस क्या होता है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये जो आर्टिकल है ये ऐसा आर्टिकल, मतलब मुझे पहली बार काफी दिनों बाद एक आर्टिकल ऐसा देखने को मिला
जो कि COVID-19 से कुछ हटके आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है, और एक अच्छा आर्टिकल जिसको आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, क्या क्या बातें इसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी निकल के आएगा जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, और भी कई सारी बातें आप लोग यहां पर इसके बारे में जानने को मिलेगी। तो आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, पर लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि इसके नाम पर एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस, ठीक है, इज बीइंग ऑब्जर्व कब, यहां पर 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। क्या होता है इसका मतलब, एक परिवार है जिसमें 4 मेंबर है, एक इंसान है, एक उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। तो ये जो परिवार है इसमें से क्या हुआ, एक दिन इसके जो फादर हैं यानी कि इसके जो हस्बैंड है लड़की के औरत के, ये यहां से गायब हो गए मतलब यानी कि अभी इनके पास में नहीं रहे। तो ऐसा नॉर्मली बहुत सारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ किसी तरीके से कोई आवाज उठाता है, तो नॉर्मली जो स्टेट एजेंसी है वो ऐसी हरकतें करती हुई नजर आती है। तो इसके बारे में कई सारे फैक्ट्स और फिगर रहेंगे, आप लोग ढंग से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, तभी आप लोग इसका आंसर भी दे पाएंगे। जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस होता है, बोला जा रहा है कि इज मोर देन ए ह्यूमन राइट वायोलेशन, यानी कि एक ह्यूमन राइट, एक इंसान का जो मानव अधिकार है उससे कहीं ज्यादा है ये जो अगेंस्ट इंडिविजुअल इनफोर्स डिसअपीयरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया कि किसी माँ का बेटा चला गया, किसी औरत का हस्बैंड चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, किसी बच्चों के माँ बाप चले गए, तो यहाँ पर किसी बच्चे का बाप चला गया। नॉर्मली ये मेल कम्युनिटी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पर, मेल ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर हाँ ये है कि मेल कम्युनिटी नॉर्मली सोसाइटी में जो प्रोटेस्ट करती है, आवाज उठाती है, तो वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल कम्युनिटी ऐसी एक्टिविटी करती नजर आती है, तो मैक्सिमम मेल कम्युनिटी के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये अगर देखेगा यहाँ पर, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पर देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे ज्यादा सिनेरियो अभी सामने निकल कर आ रहे हैं ये है म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री कू देखने को मिला, जिसमें काफी सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि उनकी जो लीडर थी आंग सांग सुई की, उसको जेल में बंद कर रखे हैं, जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की पार्टी की एक लीडर थी, तो उसके खिलाफ लोग बाहर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जो लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों का जो प्रोटेस्ट था उसको सप्रेस करने के लिए बहुत सारे लोगों को डिसअपीयर कर दिया। तो जो वायलेंस देखने को मिला, ये ऑपरेशन देखने को मिला, यहाँ पर लोगों को सप्रेस किया गया। तो उस टाइम पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की बात कर रहे थे, तो जो यहाँ पर मिलिट्री है उसने बोला अभी तुमको डेमोक्रेसी देते हैं, अभी तुमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं, तो गोलियां बरसाई, उठाकर जेल में फेंक दिया, बहुत सारे लोगों को इधर उधर कर दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये कंडीशन अभी देखने को मिल रही है। यूनाइटेड जो नेशन वर्किंग ग्रुप है, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में याद रखिएगा, ऑन इनफोर्स और जो इन जो यहाँ पर इनवॉलेंट्री जो यहाँ पर डिसअपीयरेंस होता है यहाँ पर इस तरीके से, तो उसके ऊपर ये स्टडी करते हैं और खासकर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो विक्टिम है इस पर्टिकुलर रीजन के, कि क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डिसअपीयरेंस हो गया, टॉर्चर किया जा रहा है, आर्बिट्रेरी डिटेंशन हो गया, पकड़ कर ले गए, या फिर किसी का मर्डर भी कर दिया जाता है, ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है जब डिटेरियरेट हो जाती है कंडीशन, काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसा माहौल अभी रिसेंटली म्यांमार में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। म्यांमार जो है वो एक अकेली ऐसी कंट्री नहीं है इसे के अंदर की यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, तो यहां पर और भी कई सारी कंट्री है जहां पर ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी कि फोर्सफुल डिसअपीयरेंस लोगों का किया जा रहा है। अभी अगर मैं बात करूं यहां पर, लोग बाग ऐसा काम क्यों करते हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, ऐसी एक्टिविटी काफी नॉर्मल देखने को मिलती है। तो अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए ऐसी एक्टिविटी अलग अलग कंट्री के द्वारा ये की गई है। फिलहाल का अगर उदाहरण दिया जाए इनफोर्स डिसअपीयरेंस का, तो यहां पर ये अभी देखने को मिलेगा जो सबसे ज्यादा कंसर्न है, खासकर कंट्री में ये माइनॉरिटी के खिलाफ काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है। अभी चाइना के अंदर क्या किया गया, जब चाइना के अंदर पता चला यहां पर रिसीव किए गए कई सारी रिपोर्ट यहां पर वर्किंग ग्रुप के द्वारा, तो चाइना का जो यहां पर जिंजियान वाला जो रीजन है, ठीक है, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये चाइना हो गया हमारा प्यारा सा पड़ोसी देश, जो कि काफी एक तरीके से होने कहते हैं कि कुत्ते वाली हरकतें करता हुआ कई बार नजर आते हैं, वर्ड गलत है पर लेकिन जैसी हरकतें करता है ना, रियलिटी में कोई देश आज के डेट में ऐसा करता होगा, एक कंट्री के 2 एरिया अपने कंट्रोल में ले लिए, उसको बोलते हैं कि ये मैं तुझे दे दूंगा, तू इस वाले को छोड़ दे, ठीक है, समझ लो, उसी कंट्री के 2 एरिया अपने कंट्रोल में लेकर ऐसी हरकतें करता है, जहां पर ये रहता है इसको लगता है कि इससे ज्यादा ताकतवर कोई कंट्री नहीं है, अपनी दादागिरी दिखाता है कमजोर लोगों के ऊपर, ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर रीजन है, यहां पर काफी ज्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं, ये हमारी कंट्री के साथ में भी बॉर्डर टच करता है, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर रीजन के। तो इसमें क्या किया गया इनके द्वारा, जो लोग यहां पर अभी रिसेंटली काफी सारे लोगों के बीच में झड़प हो गई यहां पर, तो ये बोला गया कि जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म को रोकने के लिए इनको री एजुकेट किया जाएगा, जो जिंजियान वाले रीजन में जो उघर कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, तो क्या किया गया उन लोगों को बोला गया एजुकेट करने के लिए, उनको वोकेशनल एजुकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया,
यानी कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको एजुकेट करने की बात की गई और अब तक पता नहीं है कौन सी डिग्री देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यहां पर एजुकेशन लेने जाता है वो वापस नहीं आता है, यानी कि या तो उसके कहीं मारकर उसको फेंक दिया जाता है या फिर वो जेल में बंद है जो किसी को पता नहीं है कहां पर वो पड़े हुए सड़ रहे हैं आज के डेट में। तो ये कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। परिवार वाले इंतजार करते करते मर जाते हैं पर लेकिन पता नहीं चलता है कि वो जिंदा भी है या फिर मर गया। सबसे बुरी कंडीशन तो ये है, अगर लगे परिवार का कोई मेंबर यहां पर इस तरीके से पकड़ा गया और वो मर गया तो उनको तसल्ली हो जाती है, चलिए अब दुनिया में नहीं रहा, अपना अपनी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने स्टार्ट कर देते हैं वो। पर लेकिन सोचिए अगर उनको यही ना पता हो कि इंसान जिंदा है या फिर मर गया, तो ये सबसे बड़ी डामाडोल और दयनीय कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि सिचुएशन को यहां पर संभाला जाए और खासकर जब यहां पर बचाने वाला ही मारने वाला बन जाए तो फिर ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में देखने को मिला। बहुत सारे तमिलियन कम्युनिटी के जो घर हैं आज के डेट में उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है, बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में गायब कर दिए गए हैं। तो ये सिचुएशन यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बड़ी फ्रीक्वेंटली ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, यहां पर भी ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। अगर बात करें यहां पर ये 1970 या फिर 1980 के एयरफेयर में देखने को मिलेगा, डर्टी वॉर यानी काफी गंदी वॉर देखने को मिली अर्जेंटीना के अंदर। 30,000 के करीब जो लोग हैं वो किडनैप किए गए, टॉर्चर किए गए और मर्डर किए गए। हालांकि ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते अर्जेंटीना में, पर लेकिन ये रियलिटी है, कौन करेगा अपनी गलती को एक्सेप्ट, किसी के अंदर हिम्मत होती है इस तरीके से बोलने की कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर ह्यूमन राइट के बारे में, तो यूएन कमीशन जो है ह्यूमन राइट यहाँ पर वर्किंग ग्रुप 1980 यानी कि 1980 में बनाया गया, तो इसके द्वारा पहली बार जो यहाँ पर चीजें स्टार्ट की गई इन चीजों को देखने के लिए। तो यहाँ पर मैकेनिज्म जो है यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के हिसाब से होती है। इनफोर्स जो डिसअपीयरेंस यहाँ पर लोगों का होता है, इनके जिनको गायब कर दिया जाता है, तो सबसे पहली बात तो ये देखने को मिलती है जो यहाँ पर अगर सेवरल जो कंस्टेंट है यहाँ पर कई सारे अभी रुकावटें हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह कि जो भी यहाँ पर डिप्राइव किया जाता है लिबर्टी को, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंसान को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसको अपनी हिरासत में ले लिया या फिर उसका अपहरण कर लिया, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो हरकतें की जाती है किसी पर्टिकुलर इंसान के तहत, उसकी विल उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसको पकड़ा जाता है, ये नॉर्मली करता कौन है? तो ये सेकंड पॉइंट में बताया गया। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करें, पर लेकिन ये ऐसी हरकतें गवर्नमेंट ही करती हुई नजर आती है, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट की गई कोई एजेंसी रहती है, या फिर इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला होता है ऐसी हरकतें करने का, तब यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तीसरे नंबर के पॉइंट में यहां पर ये बोला गया कि जो ये एक्ट ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो कंटिन्यूअस यहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट यहां पर जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो रिफ्यूज करती रहती है डिस्क्लोज करने के लिए कि आखिर ये पर्सन है कहां, इसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, हो क्या रहा है यहां पर। तो जनता पूछते पूछते मर जाती है, उनके घर वाले पूछते पूछते मर जाते हैं, पर लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रेमेडी क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि यूएन का जो डिक्लेरेशन है ऑल पर्सन जो यहाँ पर फ्रॉम इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंस, इनके जो लोग गायब हो रहे हैं अगर उनको उससे रोकना है, तो वर्किंग ग्रुप क्या बोलते हैं, तो फैमिली को असिस्ट करता है, यानी कि जो फैमिली है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। माइनॉरिटी जो बेसिक सॉरी मॉनिटर करता है जो स्टेट यानी कि क्या हरकतें कर रहे हैं और यहां पर क्या वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फैमिली और सिविल सोसाइटी को चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घर के साथ में ऐसा हो रखा है वो इकट्ठा हो यहां पर और जाओ और बात करो कि इन्वेस्टिगेट हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, जिन लोगों ने ये किया है उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है नहीं दिया रहा है, ताकि मीडिया का प्रेशर यहां पर स्टेट के ऊपर बनाया जा सके और वो यहां पर इसमें कुछ ना कुछ करने की सोचे। पर लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है कि यहां पर अगर बात करें जैसी कंट्री है चाइना, अगर कितने दिन कुत्ते की पूंछ नलके में रखो निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, तो ये चीजें देखने को मिलती है। वर्किंग ग्रुप के द्वारा अभी रिसेंटली 58,606 के करीब केस ऐसे हैं 109 स्टेट के अंदर यानी कंट्री के अंदर जिनको आगे लेकर आया गया। 2020 में अकेले ही यहां पर 46,271 केस आ चुके हैं 92 स्टेट के अंदर में, यानी कि पहले इतना था यहां पर, अभी रिसेंटली दुनिया भर के केस अभी देखने को मिल गए हैं और खासकर एशिया कंट्री के अंदर ये चीजें डिक्रीज नहीं है और ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ये एक सोचने वाला मुद्दा है। तो वर्किंग ग्रुप जो है बोल रहे हैं कि कोविड-19 ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, दुनिया भर के डेड बॉडी मिल रही है अभी आप लोगों को देखने को मिला गंगा के अंदर, इसकी क्या गारंटी है कि सारे कोविड-19 के, क्या पता कोई दुश्मनी भी निकाल रहा हो पकड़ पकड़ कर मारा और फेंक दिया बाद में पता ही नहीं चलेगा। तो ये बुरी बात है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम आप लोग बोल सकते हैं। रिड्यूस अगर देखा जाए यहाँ पर आज के डेट में अगर बात करें, तो आज के डेट में सबसे बुरी एक प्रॉब्लम एक और देखने को मिलेगी कि सर्च और इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर अगर कोई पर्सन डिसअपीयर हो जाता है तो वो काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन वो नहीं होती है। तो क्यों नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है वो गवर्नमेंट ही ये काम करती हुई नजर आती है प्रोटेक्ट करने यहाँ पर राइट को, ताकि जो डिसअपीयरेंस पर्सन है उसको समझा जा सके, उसके घर परिवार वालों को भी कुछ यहाँ पर दिलासा दी जा सके। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन इन फोर्स डिसअपीयरेंस 2006 आया था यहाँ पर, 2010 में इसको इफेक्टिवली यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया गया। तो आज की डेट में भी काफी कम ऐसे लोग हैं जिसके द्वारा इस ट्रीटी को साइन किया गया।
63 मेंबर हैं ओनली, जिसमें से एशिया पैसिफिक के बारे में बात करें काफी कम मेंबर हैं, ओनली 4 ईस्ट एशियन जो स्टेट हैं जैसे कंबोडिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, जिसके द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया है। तो सीरियस क्राइम अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी अभी देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से परिवार सफर करता है, ठीक है, देख सकते हैं माँ सफर कर रही है, वाइफ सफर कर रही है, बच्चे सफर कर रहे हैं, बहन सफर कर रही है, बाप सफर कर रहा है, पूरा एक परिवार सफर कर रहा है, हो सकता है कमाने वाले को उठा के ले गए तो पूरा परिवार जो है वो सड़क पर आ जाता है। तो ये काफी लार्ज स्केल पर एक ह्यूमन एट्रोसिटी मस्ट एंड इमीडिएटली बोला गया है, यानी कि एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसको अभी इमीडिएटली खत्म कर देना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको मिलकर सामने आना चाहिए ताकि इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके, वरना ये ऐसी चीज है जो सबको लेकर डूब जाएगी और डूब भी रही है। तो ये हमको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अच्छा आर्टिकल लगा, डिफरेंट आर्टिकल लगा, आप लोग अपना राय इसके बारे में जरूर बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। और इवन ये तो ऐसे भी बन सकता है कि इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो है इज मोर देन ए ह्यूमन राइट वायलेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस तरीके के आप लोग याद रखिएगा, कहीं पर भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बने तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है क्या पॉलिटिकल प्रिजनर जो है उनको छोड़ना चाहिए। तो मैंने अभी बताया 70% लोग ऐसे हैं जिनको जेल में डाल रखा है, ठीक है, और अनलॉफुल जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट है उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दिक्कत ये है कि ये जो लोग यहाँ पर डाल रखे हैं, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लोग वो हैं जो बाद में रिहा हो जाते हैं। तो यानी कि कंडीशन ये है कि एक तरीके से उनको थोड़े देर के लिए जेल के पीछे डालने की कोशिश की जाती है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो कि 1967 का है हमारी कंट्री में। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट यहाँ पर बोलता है कि गलत एक्टिविटी ना हो जाए उससे पहले लोगों को अंदर डाल दो पकड़कर। तो पॉलिटिकल प्रिजनर जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आवाज उठाते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो COVID-19 के चलते बोला जा रहा है कि उनको रिहा करना चाहिए, ये जेल में रखना सही बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि लगभग यहाँ पर 70% के जो करीब लोग हैं अंडर ट्रायल चल रहे हैं, तो इसकी वजह से COVID-19 का इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि लोगों को यहाँ पर पकड़कर न रखा जा सके, ठीक है। तो ये भी कई बार क्रिटिज्म होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, 4 ± 2 ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, इनके 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, इनकी महंगाई बढ़ती है कि डिमांड बढ़ गई, मार्केट में सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई, तो सिलेंडर की 1-1 लाख रुपए के बेचे जा रहे हैं। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन यानी कि जो उसके अंदर जो गैस भरी जाती है, कोई सिलेंडर हो गया तो उसके अंदर मान लीजिए कोई दूसरी गैस भरी जानी है, वो महंगी हो गई तो इनके उसका कॉस्ट बढ़ गया प्रोडक्ट का, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। बुल्ट इन इन्फ्लेशन जो मान लीजिए सैलरी लोगों को दी जा रही है, उनकी सैलरी बढ़ गई तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे जाकर, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो कई तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जरूरी है कि इनको अंडरस्टैंड करें और इनको मेंटेन करके रखें, खासकर आज के टाइम पर। तो यहां पर अगर बात की जाए इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करके रख पाते हैं तो काफी सारी चीजें कंट्रोल कर पाते हैं। हमारी कंट्री में एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, IIP के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। IIP के अंदर जो कोर सेक्टर का जो प्रेजेंटेशन है वो 40% है। तो यहां पर इससे पता चलता है कैसी हमारी कंट्री में एक्टिविटी चल रही है। इसका जो बेस ईयर है वो है 2011-2012, याद रखिएगा ये बेस ईयर प्रेजेंट टाइम पे, इसका पहले बेस ईयर था उससे रिप्लेस कर ये बेस ईयर बनाया गया, पहले 2004 और 2005 था यहां पर ये। जब वो वाला बेस ईयर था तो अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट थे यहां पर ये थे 399, ठीक है, अभी यहां पर जो बढ़ा दिया गया है 407 सब्जेक्ट इसके अंदर कर दिए गए, जिसके अंदर अलग अलग आइटम आते हैं, जैसे कि बात करें माइनिंग वाला एरिया हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला एरिया हो गया, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि IIP जो है जिसको मैंने बोला इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट भी बढ़ा दिया गया, 2026 तक का इनको टारगेट दे दिया गया है। तो ये था डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर, तो आंसर है इसका डी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ये तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री में, स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाई जाती है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा लेक्चर, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देने चाहेंगे वो जरूर बताएगा, यानी कि एक क्लियर फीडबैक आप लोगों को देना है ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके। और यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, यहीं पर ही आप लोगों को सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो कि आप लोगों को आंसर देना है, और कई सारी और भी चीजें पोस्ट की जाती हैं। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, लगता है आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो दूसरों को भी चीजें पहुंचा सकते हैं। बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक वीर तालियान के नाम से सर्च कर लेना। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।